खाना भी फराम किए जाते हैं और उसके साथ पाकिस्तानी और चाइनीज खाने भी तैयार किए जाते हैं। बड़ा अच्छा व्यू पॉइंट, आज हम सैर और तफरी के लिए गए थे, सोचा इनसे भी। नाजरीन, मैं आपके मेज़बान से क्लेंट पंजाली पहाड़ी अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से बात हूँ। एक नया रेस्टोरेंट खुला है कुछ ही दिन पहले, तो ये लाला अंसार साहब ने और मीर अकबर साहब के दामाद हैं, उन्होंने मिलकर खोला है। उस रेस्टोरेंट का आपको विज़िट कराते हैं, चलते अंदर, यहाँ पर किस किस्म की सहूलियात दी जा रही हैं, कैसा है रेस्टोरेंट अंदर से। यहाँ से इंटर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है सर, खैरियत है सर? ठीक है। ये इन्होंने रेस्टोरेंट ओपन किया है सियाती मुकाम लस्टरना के करीब। बड़ा अच्छा व्यू पॉइंट, आज हम सैर व तफरी के लिए गए थे, सोचा इनसे भी मुलाकात का। मौजूद है अंजुमन ताजना रेड़ा के सदर और इस होटल के ओनर लाला अंसार साहब। लाला अंसार साहब, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आप हमारे नाजरीन को बताएं कि आपने यहाँ पर किस किस्म की सहूलियात देते हैं। कुछ ही दिन पहले आपने इसकी ओपनिंग सेरेमनी की। जी बहुत शुक्रिया जी सकलेन भाई, ये तकरीबन आज से 4 या 5 दिन पहले हमने इसकी ओपनिंग की। ठीक। और ये बड़ा अच्छा सियाती मकाम है, इसका हमने थोड़ा सा इसको बहुत अच्छा मतलब करने की कोशिश की है और इसको मजीद इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। यहाँ पे देसी खाना भी फराम किए जाते हैं और उसके साथ पाकिस्तानी और चाइनीज़ खाने भी तैयार किए जाते हैं और मुनासिब रेट से। और इसके यहाँ पे एक यूनिक बात यह है कि यहाँ पे जो हमने इसका ऊपर रिहाइश का इंतजाम, Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. ये होटल कुछ ही दिनों पहले इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई, बड़ा अच्छा होटल। यहाँ पर बड़ा अच्छा व्यू पॉइंट टूरिस्ट के लिए देखा जाए तो ये जो जगह है लस्टरने से थोड़ी नीचे है, लेकिन बहुत अच्छी जगह। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म की अच्छी किस्म की सहूलियात। लाला अंसार खान साहब ने ये जो इस होटल की ओपनिंग की, बड़ी जीनत और आयश के साथ ये बनाया गया। इसके ऊपर काफ़ी डेवलपमेंट की गई, काफ़ी खर्चा किया गया। हमने इस होटल का एक एक हिस्सा देखा और बड़ा अच्छा ये होटल था। यहाँ पर आपको हर किस्म की सहूलियात और साथ ही साथ यहाँ पर मज़े की बात यह है कि यहाँ पर आपको कश्मीरी डिशेज और देसी खाने आपको मिल सकते हैं। माशाल्लाह बहुत आला इंतजाम है। यहाँ पे बड़े आबादार और बड़े खुले कमरे हैं और उनका बहुत यहाँ पे व्यू के हवाले से बात की तो बहुत अच्छा यहाँ पे व्यू भी है लस्टरना का। तो हमारी गुजारिश है तमाम नाजरीन से कि जब भी आप ये जितने भी टूरिस्ट हैं पाकिस्तान से या जहाँ कहीं बाहर से आते हैं या हमारे आज़ाद कश्मीर बाहर से आते हैं तो कम अज़ कम हमें अपनी खिदमत का मौका दें, एक बार हमारे होटल पर आएँ, खाना खाएँ। और यहाँ हमें रिहाइश का भी आला इंतज़ाम है,
आबादार कमरे हैं और बिल्कुल अच्छा स्टाफ है यहाँ पे। और आप का भी एक बार मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए, और इंशाल्लाह फिर आते रहेंगे आप भी, और यहाँ पे जो भी आएगा इंशाल्लाह वो यहाँ पे आएगा, एक बार आना चाहिए सबको, और एक बार आकर हमारे पास देखें। यहाँ पे होटल का पूरा सिस्टम है, वाशरूम्स वगैरह, और यहाँ पे खाने पीने का आला इंतज़ाम मौजूद है, देसी खाना भी यहाँ पे दिए जाते हैं। तो मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, तो इंशाल्लाह फिर जब आप आएंगे आपसे मुलाकात होगी। आपने कहा कि यहाँ पर देसी डिशेज भी देते हैं, मुकामी डिशेज, तो उसमें आप क्या क्या टूरिस्ट के लिए? यहाँ पे मुकामी जो देसी डिशेज हैं वो हम कड़ी वगैरह दे रहे हैं, और मकई की रोटी और साग वगैरह जिसे हम कहते हैं, देसी चटनी और इस तरह के खाने हम देसी दिए जाते हैं, और देसी मुर्ग वगैरह और यहाँ पे मटन वगैरह का, और ये सब इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल फुल देसी खाना भी, जो भी कोई हमारा कस्टमर आता है जिस तरह की वो फरमाइश करता है उस तरह के खाने भी हम बना कर देंगे, और देसी खाना भी हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका लालन सहरसा।